और एक महत्वपूर्ण मार्ग जो है वो बुद्ध सर्किट का है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 20,000 करोड़ की लागत से भगवान गौतम बुद्ध के प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए 419 किलोमीटर का मार्ग हम बना रहे हैं। सारनाथ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोध गया तक बुद्ध सर्किट बनाया गया है। जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वास्तव्य हुआ, उनको बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, हर जगह पर हमने जोड़ा है। पटना, गया, डोबी 5,519 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर का रोड बन रहा है। बोध गया, राजगीर और नालंदा के बीच इससे कनेक्टिविटी होगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 6,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग भी हम बना रहे हैं, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पटना से बेतिया तक 8,000 करोड़ की लागत से 167 किलोमीटर 4 लेन मार्ग भी काम हो रहा है, वहां भी भूमि हमको मिल गई है। और एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसका आज मैंने प्रयागराज में शिलान्यास किया, वो राम वनगमन मार्ग का शिलान्यास। अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर का राम वनगमन मार्ग बनाया जा रहा है। आज मैं 2100 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर रामपुरिया अव्वल से चित्रकूट का भी शिलान्यास कर रहा हूं। पर लल्लू सिंह जी, मैं चित्रकूट तक रुकने वाला नहीं हूं। चित्रकूट से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होकर रामेश्वरम तक जाएगा। अब अयोध्या से रामेश्वरम, राम सेतु का दर्शन करने के लिए भी हमारे साधु संत इस रोड से वहां तक जा सकेंगे, ये मैं उनको वचन देता हूं। आज मैं इसका जो शिलान्यास कर रहा हूं, ये मार्ग अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, मोहनगंज, अवतारपुर, चित्रकूट, बांदा, सूरत, मुरतगंज, राजापुर से चित्रकूट तक जाएगा। अयोध्या से प्रतापगढ़ तक 102 किलोमीटर मार्ग का निर्माण हो गया है। प्रतापगढ़ से चित्रकूट तक 156 किलोमीटर के मार्ग निर्माण का काम मई 2022 में आरंभ हो जाएगा और अयोध्या से छावनी तक 7 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी और छावनी से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से अवतारपुर आगे जो सड़क है वो भी 2 लेन पेव शोल्डर की बनाई जाएगी। यमुना नदी पर पुराने पुल के साथ 4 लेन का नया पुल का भी इसमें निर्माण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि जून 2023 के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। मेरे पत्रकार मित्रों, मैं करोड़ों में जब बोलता हूं तो लोग विश्वास रखने में थोड़ा पहले हिचकिचाते थे, पर आज आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने समुंदर में एक वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बना, आप कभी मुंबई जाओगे तो देखो, 55 उड्डान पुल बनाए और मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तब 9 घंटे लगते थे तो मैं कहता था 2 घंटे में जाएंगे, तो लोगों ने मेरा विश्वास नहीं रखा, पर हो गया 2 नहीं 2.25 घंटे में हो गया। और आज देश बदल रहा है। मैं परसों देहरादून में था तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि हमारे यहां 10 फ्लाइट्स हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून आते हैं। मैंने कहा लिख लो, आज से 2 साल के बाद एक भी हवाई जहाज नहीं आएगा दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके दिखाता हूं, ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरी एक भी बात अगर नहीं हुई तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं। ये देश बदल रहा है और मुझे खुशी है कि ये सब काम जो है ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण काम था जिसमें लल्लू सिंह जी, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, उन्होंने आग्रह किया था तो अयोध्या के 5 नालों को गोलाघाट, गोलाघाट ए, गोलाघाट बी, सिमोचन नाला, गुरियाना नाला
और राजघाट नाला को रोककर उसके जल को परिशोधन करने के लिए एसटीपी और डाइवर्ट करने का काम मैंने उस समय मंजूर किया था, पूरा हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हुआ है ना पूरा। बाद में 221.66 करोड़ की लागत से फैजाबाद के सभी नालों को टैप करके एक 33 MLD के एसटीपी लगाने का भी प्रपोजल अप्रूव किया था, और रामायण कालीन जो तालाब थे वाटर बॉडीज उसके जीर्णोद्वार के लिए अयोध्या आर्ट प्रोजेक्ट के लिए मैंने 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया था। आज मुझे खुशी है कि लल्लू सिंह जी ने मुझे और कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग जो अयोध्या बाईपास है 19 किलोमीटर का, जो अभी 4 लेन का है, उसके दोनों ओर उन्होंने मुझे कहा है कि उसको मैं अच्छा बना दूं और ड्रेनेज बना दूं। मैं लल्लू सिंह जी, आपने मांगा उससे ज्यादा दूंगा, मैं सीमेंट कंक्रीट का रोड बना दूंगा आपका अयोध्या के बीच में का, सीमेंट कंक्रीट का, ड्रेनेज भी बना दूंगा, लाइट हो गए तो लाइट भी लगा दूंगा, अगर उसमें फुटपाथ बनानी है तो फुटपाथ भी बना दूंगा, और अगर आप अनुमति देंगे तो साइकिल ट्रैक भी बना दूंगा। मैं निश्चित रूप से यह काम पूरा करूंगा, बहुत कुछ मेरे पास बताने लायक है। मैं उत्तर प्रदेश में 7 हाईवे ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहा हूं। वह हाईवे आप कल्पना, आप कभी दिल्ली मेरठ चले जाइए, पहले 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं। केशव जी और मैं अभी मेरठ में थे 3-4 दिन पहले, तो वहां के लोग बता रहे थे कि हम मेरठ से दिल्ली कैनॉट प्लेस आइसक्रीम खाने के लिए 40 मिनट में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब मैं लखनऊ से कानपुर ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन इन्हें नया हाईवे बना रहा हूं, आधे घंटे में कानपुर से लखनऊ, वाराणसी से कलकत्ता तक हाईवे बना रहा हूं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बना रहा हूं, दिल्ली से डेहराडून नया हाईवे बना रहा हूं 2 घंटे का, पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस 5 साल में हमने 3 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में किए हैं, 1,80,000 करोड़ के काम पूरे किए हैं, 1,60,000 करोड़ के काम शुरू है, 30,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए दिए है, पर ये जो काम हुए ये तो केवल ट्रेलर था, ट्रेलर पर आप डबल इंजन लगा दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए का काम कर दूंगा, और उत्तर प्रदेश के रोड को अमेरिका के बराबर पहुंचा दूंगा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत खुशी है, मैं किसान हूं, मेरे क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूं, हमने इथेनॉल लाया है और इथेनॉल से अब कार, ऑटो रिक्शा सब चलने लगे, जरा इसकी शुरुआत